तो भाई वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बहुत दिन हो गए हम लोग व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, और हमेशा की तरह यकीन मानो मैं 3 हफ्तों से सोच रहा था, मतलब व्लॉग बनाए बनाए लेकिन कहाँ से बनाए। अभी मैंने मोबाइल निकाला घर में व्लॉग बनाने के लिए, वो घर में कटिंग वटिंग वो चादर काटनी थी, वो डर शुरू हो गया। मैंने बोला यार यहाँ पे जो ना सीन बनेगा नहीं, मजबूरन फिर मैंने जो ना कंगी वंगी मारी, फुल स्टाइलिश होकर मैं आया हूँ रहमत के पास। ये भी जो है बस सफाई वफाई करके बैठा दुकान की, चिकनों की चप्पलें साफ कर रहा था अपनी, बताया गया नहीं है, बताऊंगा क्यों, पागल होंगे मेरा दिमाग। और मैं दरअसल ना परेशान देते मतलब इतने दिनों से ये बनाऊं क्या व्लॉग, समझ नहीं आ रहा था। बहुत दिन होगा मेरे खुद को शर्म आ रही है देख देख के, इतने दिनों का व्लॉग बनाया नहीं, तो काफ़ी दिन हो गए थे कि मुझे अपनी काबिलियत पे शक ज़्यादा ही हो रहा था। मैंने बोला यार इस शक को दूर करने के लिए बेगी तरीके कोई ना कोई व्लॉग बनाया जाए और फटाफट बनाया जाए, और फटाफट व्लॉग में एक रहमत के पास एक सीन बार चला है, तो मैंने बोला क्यों ना इसी बात को मुद्दा बनाया गया व्लॉग बनाया जाए। अभी रहमत कहाँ चला गया, रहमत चला गया बाहर, अभी मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ जो ना अमीरों वाले पापड़ मतलब आप समझ सकते हैं, ये चल लेते अमीरों वाले पापड़, तो ये भी थोड़े बचे हुए थे, मैंने थोड़ा उसके साथ बैठ के पहले खाते थोड़े से मैंने खा लिए, उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किए। खाना पीना भी ज़रूरी है लाइफ में, मेंटेनेंस रखना बहुत ज़रूरी है वरना इंसान कमज़ोर हो जाता है यार। तो भाई रहमत उठ के चला गया था बाहर, अभी आ गया वापस, और मैं चाहता हूँ जो मुद्दा है जो बात है वो ये खुद करे। रहमत व्हाट इज़ आज हमने व्लॉग क्यों स्टार्ट किया, क्या बताने के लिए? वो ये छोटी सी गाड़ी ले ली हम लोगों ने। माशाल्लाह चेहरे पर मुस्कुराहट, दिखाना नहीं चाह रहा लेकिन मुस्कुराहट देखो चेहरे पर, मुस्कुराहट लेकिन अंदरूनी खुशी तो यही है ना। यही थीन था, अभी आप लोग सोच रहे होंगे गाड़ी दिखाएंगे, गाड़ी का गाड़ी गई है, गाड़ी गई है मलिन, कस्टमर आ गया था व्लॉग बीच में रोकना पड़ा, तो कहना ही चाह रहे थे इनके अब्बू साहब जो है ना गाड़ी लेके गए मलिन किसी को छोड़ने के लिए, तो मैं भी इसको बोल लूँगी अगर फिर मलिर गए हुए थे पहले बताता व्लॉग बनाने का मकसद क्या हुआ, लेकिन गाड़ी को मसला ही नहीं, आज ना कल मतलब देख लेंगे गाड़ी, गाड़ी की थोड़ी अपडेट दे देते। गाड़ी इसने लिए कौन सी लिए, हाईजेट लिए, दातसू कंपनी की आती हाईजेट वो लिए, थोड़ा फैमिली वगैरह के लिए भी कंफर्टेबल गाड़ी, हिसाब किताब में हर चीज़ में माशाल्लाह दी आई थी, और उसके अलावा जो है बस सामान की भी आज छुट्टी है। रात को हमने इसको घेरा हुआ था सिंगर के लिए, लेकिन वो जो है ना किसी हलीम में शार्ट हो गया, तो आज जो है ना इसी व्लॉग में कोशिश करूँगा कि हलीम में उसको हलीम बोल रहा हूँ सिंगर में उसको घेरूँ और आज मैं उसको लेके जाऊँ और इसी व्लॉग में वो चीज़ दिखाऊँ। तो ये मेरे को जो है ना अमीरों वाले पापड़ा खाने दो, और कोई हराइमन दिखेगा कोई सीन बार दिखेगा तो फिर मैं आपको फोटो अपडेट दूंगा इसके हवाले से। भाई बात ये अभी जो रात का टाइम हो गया और तुम्हारा भाई घर पे जाके थोड़ा केप पे पहन के आ गया और अमान भी आ गया, वो बैठा हुआ पीछे, तो मसला ये कि अम्मी का मोबाइल था वो जो एक दो मरतबा घेरा उसकी स्क्रीन चली गई, वो हमने स्क्रीन डलवाई, अब नेक्स्ट टाइम वो दोबारा घेरा बिल्कुल जो है ना खत्म हो गया, तो मजबूरन अब खर्चा करना पड़ेगा, दूसरा मोबाइल लेना पड़ेगा, सही है। और वो मोबाइल लेने जा रहा हूँ, मैंने अमान को बुलाया, मैंने चल यार अब खर्चा आ गया, दोनों साथ चलते हैं, अकेला बंदा जाता है मज़ा नहीं आता, तो इसको लेता हूँ, लाइट भी नहीं है, अभी जाता हूँ इसको लेके और लेके आता हूँ मोबाइल। भाई ये कीपैड मोबाइल लेने के लिए हमारे 3 बंदे और रहमत भी, मार्केट में समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। रहमत भाई बोल रहे हैं कि इस मार्केट में मोबाइल सही नहीं मिल रहा, तो हमें जियो मार्केट जाना चाहिए। अब हम इनको समझा रहे हैं कि यार हमें एक छोटा सा मोबाइल चाहिए, टाइप मोबाइल चाहिए जिशान भाई की वालिदा के लिए, उसके लिए ये जगह भी सही है, मिल जाएगा यहाँ पर एक मतलब बटनों वाले मोबाइल के लिए जियो मार्केट है। बातें सुनो, जब से इसने गंज मरवाया ना वो हवा घुसने की वजह जो है वो भी निकल गई है, अब यहीं पे देख रहे हैं यहीं से कोई ना कोई मोबाइल नहीं है भाई, स्कूल जाने का कोई सीन नहीं है। तो आखिरकार हमारा सौदा हो गया 2700 रुपये में, बटनों वाला मोबाइल है, रहमत को शर्म आ रही है चला गया, अभी यहाँ पे स्कूल है तो पर्ची बन रही है, पर्ची के बाद हम इसको अनबॉक्स यहीं पे करते हैं, ये अनबॉक्सिंग नहीं नॉर्मल से करेंगे लेकिन यहीं पे करेंगे। चलो भाई ये बॉस मोबाइल की अनबॉक्सिंग, चार्जर हैंड फ्री चार्जर, 3000 mAh बैटरी, चार्जर इसका अलग ही लेना पड़ेगा भाई, लूट लिया दुकान वाले को। अमान ने मुझे बहुत बहुत मुबारक हो, नया मोबाइल ले लिया, हैंड फ्री पसंद आ रही है, ले लो कौन सी, ले लो ले लो, मालिक मूड में, आई एम सॉरी मैं इतना मूड में भी नहीं कि आप बुफर वाली हैंड फ्री लो, आई एम सॉरी सर मेरी भी नीयत खराब हो गई इसको, पुराना मोबाइल लाओ ना उसमें खराबी हो, वो भी 1000 रुपए तो ले गए। मुबारक हो भाई मोबाइल ले लिया हमने, अपना खर्चा जो है काफी हो गया था, मैंने अमान को बोला मालिक इतना खर्चा हमने कर लिया, थोड़ा बहुत तुम भी करो, एक सिंगर पेंडिंग था, वापसी का आमिर को उठाया, आमिर भाई ये आज मैं बड़ा मेरा ना जिगरी दोस्त है बस,
मोहब्बत जागी इसका काफी टाइम से। भाई बोल रहे थे कि जिंगर खिलाएं, जिंगर खिलाएं, अच्छी जॉब लगी थी माशाल्लाह, तो बस आज इनकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। बस ये यकीन मानो इसकी दो सहेली आ चुकी, तीसरी सहेली पे हमने इसको कह रहा है, ये गहराई में आ ही नहीं रहा था। मेरे ये खर्चे मैंने उधार लिए, मैंने ये किया हुआ, बस यकीन मानो जो पाकिस्तान जो फाइनल में आ रहा है ना, उसका गम फिर आज उतरेगा। यार जिंगर खाने के बाद जो है ना, बस मेरा ये गम कम होगा। अभी वेट कर रहे हैं, ऑर्डर किया हुआ है और जगह वो छोटी सी जगह अजीब सी, बस पहली बार इस जगह पे आए, अमान लेकर आया, बोला भाई यहाँ का खाना बड़ा वीआईपी है, हम लोग आए, हमने बोला यहाँ खाते हैं, इस बहाने अपना ब्लॉग भी बन जाएगा। तो अभी कॉल आ गई है, फिर जब जिंगर आएगा उसके बाद फिर हम आपको जिंगर दिखाएंगे कि जिंगर वाकई खाने लायक है या नहीं, कैसा है। अब हम ये कह सकते हैं कि देखने से कैसा लग रहा है, अमान सही जगह पे जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नज़ारे भाई माशाल्लाह, फुल पेपर वेपर रखा हुआ है, साफ सुथरी चीज, फुल साफ सुथरा माहौल, देखने में तो अमान टाइट लग रहा है। अब खाने के बाद पता चलेगा कैसा है। सही है, आमिर चिप्स कैसी है? बेहतरीन चिप्स में इनका जो मसाला लगा हुआ है ना, बहुत जबरदस्त मसाले लगाए हैं। चल अब मैं खाता हूँ, फिर पता चलेगा कैसा, फिर रिव्यू देता हूँ खा के। तो भाई खाना वाना हम लोगों ने खा लिया, फिर जा रहे हैं वापस। खाना बड़ा शो वाला खा के आए, बड़ा मजा, आवाज़ गूंज रही है। सही है, ब्लॉग का करते ही पे पता खाना बड़ा बड़ा दिया, हाथ में साफ कुछ हमारे भाई से, बहुत दिनों का ब्लॉग नहीं बना था, ब्लॉग भी बन गया। ठीक है भाई, बता।